नमस्कार, क्यों ना कहूँ सचलन में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं दादरी के धूम मानिकपुर गांव में। यहाँ एक नाम चर्चा घर है जो कि डेरा सच्चा सौदा मानवता भलाई केंद्र है, इस पर हम मौजूद हैं। और यहाँ पे आज डेरा सच्चा सौदा के जो दूसरे पातशाह हैं शासक नाम सिंह जी महाराज हैं, तो उनका आज जन्मदिवस जो है आज मनाया जाएगा। भारी संख्या में सात संगत यहाँ पे पहुँच रही है और नए जो लोग हैं नशा छोड़ने के लिए भी आ रहे हैं, उनके लिए भी जो है प्रबंध किया गया है। तो किस तरह का प्रबंध है यहाँ पे वो हम आपको जो है दिखाएंगे, किस तरह की यहाँ पे जो है व्यवस्था है उनके लिए, तो हम आपको जो है दिखाने का प्रयास करेंगे तस्वीरों के माध्यम से। डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी यहाँ बहुत बड़ी तादाद में जो है दूर दराज से पहुँच रहे हैं। अगर भंडारे की बात करें देश विदेश की, तो लगभग जो है 200 स्थानों पे जो ये पावन भंडारा जो है मनाया जा रहा है। डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी मना रहे हैं, नए जो है लोग आ रहे हैं बाहर से नशा छोड़ने के लिए, गुरु मंत्र लेने के लिए, तो उनके लिए एक जो है आप देख सकते हैं किस तरह की व्यवस्था है। स्क्रीनों के माध्यम से जो पूज्य गुरु जी है वो ऑनलाइन जो है यहाँ पे गुरु मंत्र देंगे, वो शब्द जो की जो है राम नाम से जोड़ते हैं नशा छुड़ाने के लिए। तो सर्वधर्म संगम डेरा सच्चा सौदा के जो पूज्य गुरु जी है वो यहाँ से, ये सामने आप देख रहे हैं स्क्रीन, तो यहाँ से जो है वो ऑनलाइन जो है प्रोग्राम करेंगे, ऑनलाइन की वो गुरु मंत्र के जो अनमोल जो है दात प्रदान करेंगे। तो और हम दिखाते हैं यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है, एक मिनट अब हम दिखाएंगे यहाँ पे किस तरह की व्यवस्था है। यहाँ प्रसाद की व्यवस्था जो है की जा रही है, जो यहाँ पे जो है लोग आ रहे हैं यहाँ पे जो अनुयायी आ रहे हैं उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था करी जा रही है। तो देखते हैं किस तरह की व्यवस्था है, लड्डू का यहाँ पे जो है प्रसाद बनाया जा रहा है। तो हम प्रयास करेंगे एक सेवादार जो है किसी से बात करने के लिए। सर एक मिनट आइएगा, अब देखिए किस तरह की जो यहाँ व्यवस्था है, लड्डू का जो है प्रसाद जो है यहाँ पे जो है बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से सेवादार लगे हुए हैं। तो हम बात करेंगे, एक सेवादार हमारे साथ मौजूद हैं, थोड़ा पीछे ले लो भैया, सर पीछे ले लो। सर नाम बताइए अपना। रमन डल्ला। अच्छा सर, ये बताइए कि आज यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं काफ़ी चहल पहल है और दूर दराज से यहाँ पे काफ़ी जो है अनुयायी आ रहे हैं डेरा सच्चा सौदा के, तो आज यहाँ क्या खास होने वाला है? आज हमारे पिताजी का भंडारा है जी, यहाँ पे मेन भंडारा पिताजी का है जी। आज उनका जो अपना मेन भंडारा है, मैं तो दिल्ली से आया हूँ और मुझे इतनी जानकारी नहीं, पर हाँ पिताजी का बहुत बड़ा भंडारा है और हर जगह उत्तर प्रदेश, अपना मध्य प्रदेश, पंजाब, अपना उत्तराखंड, हर जगह उनका भंडारा है आज, तो बहुत बड़ा भंडारा है पिताजी का आज हमारे। तो ये किस तरह की तैयारी चली है यहाँ पे? ये पिताजी का लड्डू का भोग है, पिताजी ने उन्होंने कहा है जो सात संगत आएगी तो उनको ये प्रसाद के रूप में लड्डू मिले जाएंगे जी उनको। हाँ जी, तो और किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पे? आप देख ही रहे हैं, आपका न्यूज़ चैनल दिखाई रहा है कि कितनी सही व्यवस्था है और सारे प्रेमी भाई हैं अपने और व्यवस्था बहुत बढ़िया है यहाँ से, हम तो दिल्ली से आए हैं, बहुत बढ़िया व्यवस्था है और व्यवस्था हमने खुद क्रिएट करनी है जी पिताजी के, हम पिताजी के भक्त हैं, पिताजी ने हमें कहा है जिस काम में लगाया हम उस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे जी। चलिए ठीक है, ये थे हमारे साथ में एक सेवादार, हमने उनसे बात की यहाँ पे किस तरह की व्यवस्था है, यहाँ प्रसाद की व्यवस्था जो सात संगत आ रही है उसके लिए प्रसाद की व्यवस्था की जा रही है और जो इधर नई सात संगत आएगी और जो पुरानी सात संगत है जिधर, हम उधर भी आपको लेकर चलते हैं, उधर का भी दिखाते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि उधर किस तरह की व्यवस्था है। हो गया, आप देखिए हम दिखाते हैं, अब हमने अभी आपको दिखाया था जिधर जो है जो नए जो लोग आ रहे हैं, अब नई सात संगत आ रही है उसके लिए व्यवस्था जो करी गई है, वहाँ पे प्रसाद की व्यवस्था भी है और बैठने की व्यवस्था है, वो सारी वो हमने आपको दिखाई। अब दिखाते हैं इधर जो पुराने सात संगत, जो पुराने अनुयायी हैं डेरा सच्चा सौदा के, तो वो इधर उनके लिए व्यवस्था की गई है और दिखाते हैं किस तरह की व्यवस्था। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पे गेट बनाया गया है जो कि गुब्बारों से जो है सजाया गया है इसको, और इधर भी काफ़ी जो है सात संगत मौजूद है। हम देखते हैं, बात करते हैं उनसे, बात करने का प्रयास करेंगे, अभी यहाँ पे व्यवस्था जो है चल रही है। तो हमारे साथ में कुछ लोग जो है मौजूद है, हम उनसे जो है बात करने का प्रयास करते हैं। सर कहाँ से आए हैं? हम आए हैं जी दिल्ली से। दिल्ली से आए हैं सर, तो दादरी में आज किस लिए आए हैं? हाँ जी, ये अपने जो सत्संग के उससे आए हैं जी, गुरु के हुक्म से। गुरु के हुक्म से आए हैं, तो आज क्या यहाँ आज क्या खास प्रोग्राम होने वाला है? यहाँ जो है ये है अपना सत्संग का प्रोग्राम है जी। नहीं, अभी बताया पीछे जो है कुछ सेवादार थे, उन्होंने बताया कि जो डेरा सच्चा सौदा के जो दूसरे पातशाह हैं शासक नाम सिंह जी महाराज, तो आज उनका जो है जन्म दिवस अवतार दिवस मनाया जा रहा है, तो आज कितने खुश हैं आप? बहुत खुश हैं जी। सर आप कहाँ से आए? हम अलीपुर ब्लॉक से आए हैं जी। अलीपुर ब्लॉक से? अच्छा, आप यहाँ किस लिए आए हैं? आप ये सत्संग सुनने के लिए और गुरु जी के
वचन सुनने के लिए सतनाम सिंह जी जो यहाँ पे जन्म दिहाड़े का है जी। कितने समय जुड़े हुए हैं आप? हमें 25 साल हो गए जी। 25 साल हो गए, तो इस दर पे आपको जो है आपकी लाइफ में जो है कितना जो है परिवर्तन हुआ यहाँ डेरा सहसोदा? बहुत अच्छा है जी, यहाँ पे बहुत अच्छा जी। गुरु जी के वचन सुनेंगे, बहुत खुश है हम। अच्छा, गुरु जी किस तरह के वचन करते हैं? बहुत अच्छे करते वचन, और गुरु जी के मानने वाले हैं जी। हाँ। अच्छा, यहाँ पे सुना है कि यहाँ पे जो है लोग आते हैं बाहर से जो भी नशा करते हैं बुराइयाँ जिनके अंदर, हाँ। तो वो एक बार में नशा छोड़ जाते हैं, किस तरह से नशा छोड़ते हैं? ये सत्संग से लेने से जो भी है जो आएगा नशा छोड़ने की बुराइयों के लिए आएगा तो अपना सुधार करेगा जी। ठीक है, ये थे हमारे साथ में एक अनुयायी है यहाँ पे जो लगभग बताने 25 साल से यहाँ पे आ रहे हैं और दृढ़ विश्वास है इन्हें अपने जो गुरु के पीठ थी। तो यहाँ पे जो है जो डेरा सच्चा सौदा के दूसरे जो है बादशाह हैं सासतनाम सिंह जी महाराज हैं, उनका अवतार दिवस मनाने के लिए यहाँ पे पहुँचे। तो कुछ और लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, बात करते हैं। सर नाम बताइए। मेरा नाम सतपाल प्रधान खुशहालपुर से जी जी। तो सर यहाँ पे किस लिए आए हैं आज? ये आज हमारे यहाँ सत्संग है जी, सत्संग सुनने के लिए आए। सत्संग नामधारी भी लेकर आए हैं जी। आज गुरु मंत्र का प्रोग्राम है यहाँ पे, तो गुरु मंत्र का प्रोग्राम यहाँ पे जो है आज रखा गया है। तो आप जो है कितने लोगों को लेकर आए? हम लेकर आए 4 लोगों को लेकर आए। 4 लोगों ले। तो गुरु जी ऐसा क्या जो है मतलब पिलाते हैं जो यहाँ पे नए लोग नए जीव आते हैं कि वो जो है एक बार में नशा छोड़ जाते हैं? वो पिलाते नहीं है, वो बातों से ही उनकी आंखों में ही वो रहम हो जाता है, बस आदमी पर रहम हो जाता है, अपने आप छूट जाती है। और प्रतिक्रिया उसमें सब उनके जब आप विचार सुनोगे खुद प्रभावित हो जाओगे आप। अच्छा ये बताइए, जैसे कि आपके जो है पीरो मुर्शिद का जो है अवतार दिवस है, तो कितने खुश हैं आज आप? आज बहुत खुश हैं, तो ज़्यादा कुछ क्या हो गया। मैं तो हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? भाई हम यही कहते हैं आप जो अच्छी संदेश दें समाज में जी, ये जो गंदी बात को भाई बार बार कहते हैं, अच्छी बात को ये भाई इनसे अच्छा क्या होगा, बुरी बात तो दूर करते हैं आदमी को, नशा छुड़ाते हैं और समाज की सेवा को करते हैं। आप जहाँ भी देखो हमारे जो सत्संगी पर चढ़ के सेवा करते हैं, इनके जो फोर्स के जवान भी इतनी कर पाते, और कितना आपने देखो ब्लड देते हैं हम, गुरु जी आदेश करते हैं, हम सब कुछ नौछावर कर देते हैं, हम अपने घर को काम नहीं करते, मगर यहाँ गुरु जी कहते हैं नाली में साफ करें नाली में आते हैं, जबकि हम जो है पूर्व प्रधान है, 4 योजना प्रधानी करिए, गाँव में भी हम सेवा करते हैं, सिर्फ गुरु जी की कृपा है। गांव में हम आपे को प्रधान नहीं मानो और हम चौकीदार माने, मैंने 86 में नाम लियो, 4 योजना प्रधानी करी है, सिर्फ हम पे गुरु जी की कृपा रही, क्योंकि हमारे अंदर कोई बनावट नहीं रही, गांव के आगे हमने सेवा करी, गांव हमारे साथ लगा रहो। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे आप इतने समय से जुड़े हुए हैं, तो आपको इस दर पे आने से जो है कितना लाभ हुआ? हमारा यही लाभ है कि हम अनपढ़ हैं, अनपढ़ होते हुए 4 योजना प्रधानी कर ली है, समाज में पूछ होती है, सब गुरु की कृपा है, वरना हमारे गुरु की कृपा न होती तो हम तो कई बार होते अनपढ़ 3 भाइयों में, और इससे बड़ी क्या होगी आपको, हम 3 भाई और मैं अनपढ़ और छोटा, और मैं प्रधान समाज में पूछता हूँ, सब गुरु की कृपा तो है, मान सम्मान मिला गुरु जी के वजह, पूरा मान सम्मान मिला। अच्छा सर नाम आपका? मेरा नाम जगबीर है। आप कहाँ से हैं? खुशहालपुर। अच्छा कितने समय से आ रहे हैं? मुझे हो गए 30-40 साल। 40 साल। आज किस लिए आए यहाँ पे? आज बस गुरु जी के बस गुरु जी का आशीर्वाद हो गया, लेना आए हैं, जन्मदिन मनाने के लिए, जन्मदिन मनाने आए हैं यहाँ पर। तो आज कितनी खुशी हो रही है? आज हमें अपार खुशी है जी, कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा। देखिए कितना जो है उत्साह है, कितनी उमंग है जो डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी हैं अपने गुरु का जो है यहाँ पे, जो दूसरे जो गुरु है सहसतनाम सिंह जी महाराज, तो उनका जन्मदिवस मनाने के लिए जो है भारी तादाद में जो है सत्संगत यहाँ पे पहुँच रही है, और अभी भी जो है लोग आ रहे हैं, अनुयायी आ रहे हैं, अभी तो शुरुआत है, अभी तो लगभग 12 बजे से जो है कार्यक्रम का जो है शुभारम्भ होगा, तो अभी काफ़ी लोग जो है आ रहे हैं यहाँ पे। हमारे साथ में एक जो है IT विंग के सेवादार हैं, तो उनसे बात करते हैं। क्या नाम भैया आपका? हिमांशु इंसाद। हिमांशु जी कहाँ से आए हैं? बुलंदशहर। आज किस लिए आए हैं यहाँ पे? यहाँ पे आए हैं जी पिताजी के दर्शन करने के लिए। नहीं आज जो है जो सासतनाम जी हैं, जो डेरा सच्चा सौदा के जो दूसरे गुरु सासतनाम सिंह जी महाराज, तो उनका आज जन्मदिवस है, तो यहाँ पे भारी तादाद में सत्संगत यहाँ जन्मदिवस मनाने के लिए आ रही है, तो
आप जो है किस उद्देश्य से आए यहाँ पे? हम भाई जी यहाँ पे जैसे कि जानते हैं कि बहुत सारी करोड़ों में सात संगत है डेरा जसोदा की, तो वो सभी अपना खुशियाँ मनाते हैं भंडारे के रूप में। 25 जनवरी को भंडारा मनाया जाता है जी, हमें बहुत खुशियाँ मिलती हैं जी। और पिताजी की रहमत से डेरा जसोदा के संत डॉक्टर MS जी हैं, उनकी रहमत से हमें बहुत खुशियाँ मिलती हैं और आशीर्वाद भी मिलता है जी। और किसी बीमारी हो कुछ भी हो उन चीज़ों से बचते भी हैं जी, बीमारी से भी। तो कितना विश्वास है जो पूज्य गुरु जी है उन पर आपका? विश्वास तो भाई जी ये ले लीजिए जी, अपने से भी ज़्यादा विश्वास है पिताजी पर भाई। दृढ़ विश्वास है जो यहाँ पे जिस भी जो है हम जो डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी हैं जिससे भी बात करेंगे तो उनका जो है अपने गुरु के प्रति जो है दृढ़ विश्वास है। और ऐसा दृढ़ विश्वास ऐसा प्रेम जो है कहीं दूसरी जगह देखने को नहीं मिलेगा जितना कि यहाँ साथ संगत में। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर लोग आते हैं बुराइयाँ अंदर लेके आते हैं लेकिन यहाँ से जो है नशा छोड़ के जाते हैं, पाक पवित्र होकर यहाँ जाते हैं। तो ये सब जो है जो डेरा सच्चा सौदा के जो गद्दी नसीन गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान हैं, तो उनके ही आशीर्वाद से जो है सब कुछ जो है सफल संभव हो पाया है यहाँ पे। अब देख रहे हैं कि भारी तादाद में जो है मैं कहूँगा साथी से यहाँ इधर दिखाएं कि कितनी जो है साथ संगत है यहाँ पे, भारी तादाद में आप देखेंगे अभी जो है लगभग साथ संगत आ रही है दूर दराज से। अभी लगभग जो है 1 घंटे का समय और बाकी है तो अभी साथ संगत जो है और पहुँचेगी यहाँ पे। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि कितनी भारी जो है तादाद में जो है दादरी में जो है सात संगत पहुंची है। और आप देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पे ये पंडाल बनाया गया है ये खचाखच सात संगत से भरा हुआ है और बहुत ही बड़ी जो है तादाद में सात संगत जो डेरा सच्चा सौदा के दूसरे गुरु हैं सासत नाम सिंह जी महाराज, तो उनका अवतार दिवस मनाने के लिए भारी तादाद में सात संगत जो है पहुँची है दादरी में। भाई जो भी नशा बुराई छुड़वाने के लिए जीव आए हैं तो उनके लिए पंडाल जो रोड है रोड के पल्ली तरफ बना हुआ है तो वहां पे बैठे हैं। और जो भाई अपना पुराने हैं आप देख सकते हैं हम शुरुआती दौर की जो है तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो है किस तरह से यहाँ पे जो सेवादार महिलाएं हैं या बच्चियां हैं उन्होंने जो है किस तरह से जो है यहाँ पे देखिए रंगोली जो है बनाई है। और ये हम आपको शुरुआती दौर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी अभी सात संगत का जो है आना जो है अभी लगातार जारी है और लगभग जो है उम्मीद है कि 1.5 से 2 लाख जो है करीब जो है यहाँ पर अनुयायी पहुँचेंगे और बहुत भारी तादाद में जो है सात संगत यहाँ पे जो डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी है वो पहुँच रहे हैं। अभी हम शुरुआती दौर की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो है कितना लंबा चौड़ा ये जो है पंडाल बनाया गया है और शुरुआती दौर है। अभी इसे देख सकते हैं कि कितनी भारी जो है तादाद में जो है यहाँ पे जो है सात संगत जो है पहुँची है। शुरुआती दौर है अभी आप देख सकते हैं कि कितनी जो है संख्या में यहाँ पे जो है नशा छोड़ने के लिए जो लोग दूर दराज से पहुँच रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि व्यवस्था भी बहुत अच्छी जो है की गई है जो कि नशा जो है छोड़ने के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो पूज्य गुरुजी स्क्रीन के माध्यम से यहाँ पे ऑनलाइन प्रोग्राम करेंगे और नशा छुड़वाएंगे। आप देख सकते हैं कि बहुत भारी तादाद में महिलाएं यहाँ पे जो है पहुँची हैं दादरी के। हम जो है आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये नामदान यानी गुरु मंत्र जो है लेने के लिए दादरी में पहुंची हैं इस समय। जो ये देख सकते हैं कि ये पंडाल जो है अलग से जो नए जी बाहर से आ रहे हैं उनके लिए ये जो है इस तरह की व्यवस्था करी गई है। तो बहुत ही बेहतर तरीके से देख सकते हैं आप किस तरह से डेकोरेशन सजावट यहाँ पे की गई है और बहुत जो है बड़ी तादाद में नाम लेने के लिए ये हम आपको पंडाल के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी जो है तादाद में जो है डेरा अनुयायी पहुंच रहे हैं दादरी में। और जहां तक बात करें पंडाल की तो 2 पंडाल जो है यहां पे बनाए गए हैं। एक जो नए लोग आएंगे नए अनुयायी आएंगे नामदान लेने के लिए गुरु मंत्र लेने के लिए उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। और दूसरी तरफ जो पुराने लोग हैं पुराने अनुयायी हैं उनके लिए जो है बैठने की व्यवस्था जो है की गई। अभी हमने आपको जो है दिखाया तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरह की जो है व्यवस्था यहाँ पर की है। और खाने पीने के लिए भी जो है बहुत बेहतर ढंग से जो है व्यवस्था करी गई है जो बाहर से लोग आ रहे हैं।
आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं ये ट्रैफिक ग्राउंड की तस्वीरें दिखा रहे हैं, कैमरे के माध्यम से हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अभी हमने जिक्र किया था कि ये शुरुआती अभी जो है शुरुआत है, और यहाँ पे आप जहाँ तक भी दूर तक भी आप नज़र जाएगी देख रहे हैं, जहाँ तक भी जो है कैमरा हमारा दिखा पा रहा है, आप देख रहे हैं कि खचाखच जो है जो ट्रैफिक ग्राउंड है बसों से भरा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि लगभग जो है चार जिलों की सात संगत यहाँ पे जो है पहुँच रही है, और बहुत बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं ट्रैफिक। ये तो फिलहाल में हम एक ग्राउंड की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, इसके अलावा और भी जो है ग्राउंड है जहाँ पे जो है गाड़ियों के लिए जो है व्यवस्था की गई है, और बहुत ही बड़ी जो है तादाद में सात संगत पहुँच रही है। दादरी में जो आज ऑनलाइन सत्संग का जो प्रोग्राम है, भंडारे का प्रोग्राम है, उसमें भारी संख्या में जो है सात संगत जो है पहुंच रही है। आप देख सकते हैं कि जो है कितनी जो है बड़ी संख्या में बस दिखाई दे रही है। अब आप देख सकते हैं बहुत बड़ी संख्या में जो है बसें पहुंची हैं दूर दराज से जो है। और जहां तक बात की जाए, चार जिलों का ही प्रोग्राम था, लेकिन इसके अलावा और भी जो है अलग राज अलग जिलों से भी जो है सात संगत यहाँ पर पहुँच रही है। अब दिखाते हैं हम जो यहाँ पर कार का जो है ट्रैफिक ग्राउंड है उसमें जो है शुरुआती दौर है। अभी देख सकते हैं कि काफ़ी जो है संख्या में जो है वहाँ पहुंच रहे हैं। ये कार का जो ट्रैफिक ग्राउंड है, हम आपको जो है उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने कैमरे के माध्यम से। आप देख सकते हैं जो है कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे जो है वाहन पहुंच रहे हैं।